नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। भगवा रंग हमेशा से राजनीति के केंद्र में रहा है। आज भी भगवा को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में वाक युद्ध जारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कहते हैं कि क्या भगवा पर भारतीय जनता पार्टी का ही एकाधिकार है। कमलनाथ यह भी कहते हैं कि क्या भगवा का ठेका भाजपा के पास है। निश्चित तौर पर कमलनाथ कि यह भाषा 2023 के विधानसभा चुनावों के कारण निकल रही है। जब चुनाव नहीं होते तब कांग्रेस को भगवा कलर याद नहीं आता। भगवा कलर से उसका कभी कोई लेना देना भी नहीं रहा, लेकिन 2023 में मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव है, इसलिए अब कमलनाथ को भगवा कलर भी याद आ रहा है, पंडित भी याद आ रहे हैं, मंदिर भी याद आ रहे हैं। गौर करिएगा, कभी किसी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता पूरे देश के अंदर आतंकवाद को भी एक नया रंग दे चुके थे। कांग्रेस के कुछ नेता अपने संबोधन में, अपने बयान में अक्सर कहा करते थे भगवा आतंकवाद। देश में दो तरीके के आतंकवाद थे, एक तो आतंकवाद था जिसका कोई कलर नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद को भी एक कलर दिया, जिसका नाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भगवा आतंकवाद कहकर किसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे थे यह तो समझ में नहीं आया। लेकिन अगर भगवा कलर आतंकवाद का प्रतीक है तो कांग्रेस के नेताओं को कम से कम इस रंग के समर्थकों से तो दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बेतुकी बयानबाजी 4 साल तक चलती रहती है, कोई मतलब निकले या न निकले, 4 साल तक उसका कोई असर हो या न हो, लेकिन चुनाव के समय में इस तरीके की तमाम बयानबाजी लोगों के जेहन में या तो अपने आप आ जाती हैं या तो विरोधी दल इस बात का प्रचार करता है कि कल तक यही भगवा रंग आतंकवाद का प्रतीक था, चुनाव आते ही इस रंग को गले लगाने की जरूरत क्यों पड़ने लगी। नेताओं का यही दोहरा चरित्र कहीं ना कहीं आम आदमियों को ध्यान में रखने की जरूरत है। यदि कांग्रेस की निगाह में वाकई में भगवा रंग आतंकवाद का प्रतीक है तो उसे चुनाव के समय में भी अपनी इन दलीलों को, अपने इन बयानों को जनता के बीच में दोहराना चाहिए। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।